नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ग्लोरियस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए कोई न कोई नई जो गार्डन के अनुरूप नई नई ट्रिक लाते रहते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा पौधा लेके आए हैं जो एक अनोखा पौधा है। ये पौधा ऐसा है, जब हमारी ठंडी का मौसम खत्म होता है, यानी कि फरवरी का समय खत्म होते होते पौधा लुप्त हो जाता है। हम जब अपने गमले को देखते हैं तो गमले में कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन गमले की मिट्टी के अंदर एक बड़ी गांठ होती है जो कि इस पौधे को बाद में अप्रैल का अंत शुरू होते ही मई की शुरुआत में ये पौधा खिलने लगता है। और ये जो पौधा है ना, वो इतनी फास्ट ग्रोथ करता है कि वो सिर्फ 15-20 दिनों में तो एक खूबसूरत रूप ले लेता है गमले के अंदर। आप देखिए, जो आपके सामने ये पौधा है, तो ये भी ये पौधा सिर्फ 20 दिनों में ही इतना बढ़िया रूप ले लेता है। और इसके साथ आप देख सकते हैं, ये जो उसका फूल है, जो वो बहुत ही बढ़िया फूल है, अंदर कई सारी कलियां खिलती है और एक कलियों का एक समूह बनता है। और एक समूह की वजह से ही इस पौधे का जो नाम है वो नाम फुटबॉल लिली पड़ा हुआ है। दोस्तों, एक अनोखा पौधा है जो हमारे घर की शोभा बढ़ाता है, हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाता है। इसका एक नाम तो फुटबॉल लिली है ही, उसका दूसरा नाम भी है। क्योंकि उसका दूसरा नाम इसीलिए रखा है, उसका जो फूल है वो फूल ब्लड जैसे रंग का होता है, इसीलिए उसको ब्लड लिली भी कहा जाता है। और ये एकदम हरा पौधा है। तकरीबन जब ये अप्रैल के बाद खिलना शुरू हो जाता है, तो लगभग सारी हमारी जो मॉनसून की सीजन होती है, मॉनसून की सीजन में ये स्थित रहता है, ऐसे ही हरा भरा रहता है। और इसके जो फूल है वो जून के अंदर आना शुरू हो जाता है। देखो, ये फूल बहुत ही बढ़िया फूल खिलता है, एकदम लाल रंग का ये फूल। कई कलियों का सम्मिश्रण इसके अंदर होता है। कुदरत ने उसको ऐसी बढ़िया एक निर्माण की हुई, एक कुदरत की कल्पना है जो हमारे गार्डन के अंदर एक बढ़िया साबित होती है। अगर आपको गार्डन का शौक है तो आप कहीं पर से भी इस पौधे को परचेज कर सकते हो और आसानी से उसको लगा सकते हो। अगर आपके कोई रिश्तेदार के पास हो तो आप उनसे ये पौधे की जो एक गांठ होती है उसको अपने घर लेकर मिट्टी में लगाकर ऐसे खूबसूरत जो पौधा है उस पौधा को आप अपने गमले में लगा सकते हो। तो इस तरह से देखो, ये मैंने भी एक अपने रिश्तेदार से ये पौधा लाया था और इसके बाद अपने गमले में लगाया था। ये लगाया हुआ एक ही पौधा था, 3 साल के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर से जो टहनियां है, अंदर से ही वो 3-4 टहनियां अंदर ही तैयार हुई है। एक खूबसूरत पौधा, देखो ये एक फुटबॉल की तरह उसका फूल खिलता है और बढ़िया रूप में। एक हमारे जो आंखों को भी ठंडक देने वाला ये पौधा है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपके घर कोई भी रिश्तेदार आए तो ये देखकर तुरंत ही बोलेंगे कि ये पौधा कौन सा है, ऐसा ये पौधा है। तो जरूर आप इस पौधे को लगाए और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाए। देखो ये जो पौधा है, इस तरह से जो इसकी टहनियां है वो मिट्टी से अपने जो गमले के अंदर से ही खिलती है, और खिलने के बाद जो उसका एक टहनी होती है, एक टहनी से वहां पर सारे जो आप देख सकते हैं उसके पत्ते होते हैं, और एक टहनी ऐसी होती है जिस पर फूल आता है। और इस पौधे की खासियत है, ऐसा एक पौधा है कि हर साल में एक बार ही उसको फूल आता है, हर साल में एक ही बार उसको फूल आता है। और वो फूल जो है वो कुदरत बहुत ही खूबसूरत बनाती है। देखो इस तरह से ये फूल है, और इस फूल के अंदर मैं
गिन तो नहीं सकता, लेकिन 500 से भी ज्यादा उसकी कलिया होगी, और वो कलिया का समूह मिलकर ये अद्भुत पौधा बनता है। और समय के बाद जो ये पौधा है उसका ऐसा फूल होता है, और जब समय बीतता है तो जैसे जैसे समय बीतते बीतते वो जो रेड सारी कलिया है, जो हरे लाल रंग की कलिया है, वो वहां से नीचे गिर जाती है। इसके बाद उसका जो रूप है ऐसा हो जाता है, एक बढ़िया रूप ले लेता है ये पौधा। हर समय पर रंग रूप बदलता है। देखो अभी उसका जो एकदम वो हरा था तो अभी एकदम ये नीला सा हो गया है, और खूबसूरत एक पौधे का रूप उसने ले लिया है। तो इस प्रकार से पौधा बहुत ही बढ़िया कुदरत की एक देन है, जिसको हम अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। और इसका जो नज़ारा है वो नज़ारा हम हर समय हर पल ले सकते हैं। तो बस ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर से आपसे मिलने आएंगे दोस्तों, मिलते रहेंगे ग्लोरियस गार्डन चैनल पर।